Let's do question number 7th. Question number 7th of exercise 17D is the volume of a right circular cylinder with its height equal to the radius is. वो कह रहा है वॉल्यूम है राइट सर्कुलर सिलेंडर का जिसके हाइट और रेडियस इक्वल है वो है 25 होल 1/7 सेंटीमीटर क्यूब. राइट, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. और हमें हाइट सिलेंडर की निकालनी है. कैसे निकालेंगे? हमें वॉल्यूम दे रखा है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है. वो कह रहा है जितना रेडियस है उतनी ही उसकी हाइट है. तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज राइट सर्कुलर सिलेंडर इज x सेंटीमीटर मान ली हमने. अब वॉल्यूम क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है हमें 25 होल 1/7 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है. तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. अब वॉल्यूम दे रखा है हमें 25 होल 1/7. पाई की वैल्यू 22/7. आर भी एक्स है और हाइट भी एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर इंटू हाइट भी एक्स है. तो ये कितना आ गया? देखिए 7 × 25 कितना आया? देखिए 25 × 7, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 17 प्लस 1 = 176/7 इक्वल्स टू 22/7 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब. तो अब एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 176/7 अपनी जगह, 7 न्यूमरेटर में चला गया और 22 डिनोमिनेटर में आ गया. तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया. 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. तो एक्स क्यूब आ गया हमारा 8. तो एक्स कितना आ गया? क्यूब रूट ऑफ 8. तो एक्स आ गया हमारा, हमें पता है 8 का किसका क्यूब रूट होता है? 2 का. तो हाइट एंड रेडियस दोनों चीजें, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई? हमें हाइट ही निकालनी थी तो इसलिए हाइट लिख रही हूं. अगर रेडियस भी कहता है तो रेडियस भी 2 सेंटीमीटर ही आएगा आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8th ऑफ एक्सरसाइज 17D इज द रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2:3. वो कह रहा है रेडियस और हाइट सिलेंडर की रेशियो में है 2:3 की. इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 12936 सेंटीमीटर क्यूब. अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 12936 सेंटीमीटर क्यूब है देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. तो हमें रेडियस निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये सिलेंडर है, वो कह रहा है रेडियस और हाइट इसकी रेशियो में, तो 2:3 कह रहा है. तो हम लेट कर लेते हैं, जब भी रेडियस और हाइट या कोई भी चीज़ रेशियो में होती है तो हम उसको लेट कर लेते हैं. लेट पहला वाला रेडियस दे रखा है, देखिए पहले रेडियस की बात कर रहा है और पहली रेशियो फिर क्या होगी? रेडियस की होगी. तो लेट द रेडियस बी 2x और हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की? हाइट बी 3x और वॉल्यूम कितना दे रखा है सिलेंडर का? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है हमारा 12936 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमें रेडियस निकालना है सिर्फ. तो कैसे निकालेंगे? देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो वॉल्यूम कितना दे रखा है? 12936 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 2x इंटू 2x और हाइट है हमारी 3x. तो ये कितना आ गया? 12936 एज इट इज़, 22/7 एज इट इज़. अब ये देखिए
टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, और एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, तो ये आ गया 12x³। तो अब एक्स क्यूब अपनी जगह, 12936 अपनी जगह, 7 डिनोमिनेटर था में था, न्यूमरेटर में आ गया, और 22 न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ गया, और 12 भी। तो अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते हैं। देखिए 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 83, 11 सेवन ज़ा 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, यस कट रहा है। तो 11 टू ज़ा 11 वन ज़ा 11 वन ज़ा 11 सेवन ज़ा 11 सिक्स ज़ा, अगेन 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10, 2 एट ज़ा 16, 2 एट ज़ा 16, अगेन 2 सिक्स ज़ा 12, 2 टू ज़ा 4, एंड 2 नाइन ज़ा 18, 2 फोर ज़ा 8, 2 थ्री ज़ा 6, 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, 2 सेवन ज़ा 14, 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12, एंड 3 नाइन ज़ा 27। तो एक्स क्यूब कितना आ गया, देखिए एक्स क्यूब आ गया 49 इंटू 7, 49 इंटू 7, तो एक्स कितना आ जाएगा, क्यूब रूट में आ जाएगा 49 इंटू 7। तो एक्स कितना आ गया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 49 को 7 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। तो अगर देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, तो क्या आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया एक्स। तो रेडियस निकालना था, तो रेडियस कितना था, रेडियस था हमारा 2x, तो ये आ गया 2 इंटू 7, तो 14 सेंटीमीटर हमारा आ गया रेडियस इस सर्कुलर सिलेंडर का आंसर।